जबलपुर में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 5 साल में भारत मजबूत हुआ है। साथ ही कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है। मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप, नोटबंदी पर कांग्रेस को बहुत दुख हुआ, नोटबंदी पर अभी तक आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस कमलनाथ के करीबियों पर छापे के बारे में कहा कि जहां माल होगा वहीं छापा पड़ेगा। कांग्रेसियों को देश की चिंता नहीं अपनी संतानों की चिंता है। मोदी ने कहा, क्यों न डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, किसी वक्त का आरक्षण काटे, बिना स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया। यह चुनाव हार जीत का नहीं, भारत के भविष्य का चुनाव है। जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। देश ने 300 सीटों पर अपना जनादेश दे दिया है।